वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले शनिवार को नवग्रह वाटिका में पौधारोपण कर देश भर में वृक्षारोपण की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य पर्यावरण को बचाने का था। साथ ही इस वाटिका में कई अलग अलग किस्म की अपर्याय औषधियों के पेड़ लगे थे और आगे भी कई पेड़ लगाए जाने थे, लेकिन मानसून की पहली बरसात से ही ये नवग्रह वाटिका ढह गई है। पूरी वाटिका में पानी भर चुका है। बहुत से कीमती वन औषधियों के पेड़ और पौधे भी नष्ट हो गए हैं। कई दिनों की मेहनत से नवग्रह वाटिका तैयार हुई थी, जिसमें 9 ग्रहों को शांत करने के भी पेड़ लगे थे। इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत पूजन अर्चना कर किया था। अपने हाथों से पीपल का पौधा भी लगाया था, लेकिन वाराणसी में शुरुआती बारिश में ही इस पूरी वाटिका में पानी भर गया है। समय स्थिति बहुत बेहद खराब है, पानी डूबा हुआ है, पौधे पूरा एकदम जलमग्न हो गए हैं। कैसे पानी निकासी की व्यवस्था नहीं बनाई गई, जबकि प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है? नहीं देखिए, ऐसा है कि जो कुछ दबंग लोग हैं यहाँ पे, जो पानी निकासी का जो था वो सब पूरा पाट के बंद कर चुके हैं। हाँ। पानी यहाँ से निकल नहीं पा रहा है, पूरी स्थिति बेहद खराब है। अगर यदि पानी नहीं निकलता है तो क्या होगा? जो यहाँ पे जो लगाए हैं वो सब खत्म हो जाएगा, केवल फोटो सेशन बन के रह जाएगा। मैं संगठन के तरफ से मुझे एक सहयोगी के रूप में उसके सहयोग के लिए रखा गया था, और समाचार पत्रों के माध्यम से आज संज्ञान में आया है। और अभी हमारी बात हुई है करीब 12 बजे फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों से, वो पंप लगा रहे हैं, 1 घंटे के अंदर पंप लग जाएगा और शाम तक जो भी पानी निकल जाएगा। क्या हो, उसके पीछे भी पानी है, दाहिने तरफ भी रोड है, कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन आज शाम तक सब पानी निकल जाएगा। तो क्या लगता है कि उसकी व्यवस्था आगे जाके ठीक हो जाएगी? आज से जब तक बरसात रहेगी परमानेंट पंप रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऊपर कमलों द्वारा लगाया गया है, तो उसमें कभी भी किसी भी स्तर से ढिलाई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो पेड़ सुरक्षित नहीं है, पूरी बाउंड्री खुली, उसके लिए क्या करने जा रहे हैं? नहीं, वह तो वहाँ कांटेदार लग गया है, सामने गेट लग रहा है, वो ये कहना गलत है, तो वहाँ सुरक्षित नहीं है। सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुप्रीम प्रोजेक्ट में क्यों जल निकासी के सही इंतजाम नहीं किए गए? फिलहाल वाटिका के प्रभारी का कहना है कि वो इसे जल्द ही दुरुस्त कराएंगे। न्यूज़ डेस्क।